Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. Hello everyone. How are you all? I hope sab acche hi honge. Today we are going to cover next topic of operating system. The topic is Banker's algorithm. Banker's algorithm in operating system is also used for deadlock detection. ठीक है, और also known as deadlock avoidance algorithm. deadlock avoidance means हमें सिस्टम को पहले ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस आ रही हैं और कौन से रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही हैं और कितने टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं. ठीक है, अब आता है डेडलॉक डिटेक्शन. डेडलॉक डिटेक्शन मीन्स कि फ्यूचर में डेडलॉक अक्कर ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर होता है तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम से. एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम देखेंगे कि डेडलॉक अक्कर होगा या नहीं होगा. ठीक है, इसमें हम इनपुट देते हैं. कौन कौन से इनपुट देते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर? तीन इनपुट आते हैं. एक तो निकालनी होती है हमें नीड, दूसरा चेक करना होता है अवेलेबिलिटी यानी कि कितने रिसोर्सिज अवेलेबल हैं, तीसरा होता है कि कितने फ्री हो गई. ठीक है, अवेलेबिलिटी चेक करनी है, एलोकेटेड कितने हैं और नीड चेक करनी है. ठीक है, यानी कि बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करता है, चेक करता है सारी रिसोर्सिज को और वो चेक करता है सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट. ठीक है, अगर सेफ स्टेट है तो डेडलॉक अक्कर नहीं होगा और अगर अनसेफ है तो डेडलॉक होगा. ठीक है, तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट के अंदर ना जाए. तो उसके लिए हमें क्या निकालनी होती है, एक सीक्वेंस निकालनी होती है रिसोर्सिज की, उसको बोलते हैं हम सेफ स्टेट. ये देखिए, इफ़ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट नो डेडलॉक और इफ़ सिस्टम इज अनसेफ स्टेट पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. अवॉइड कैसे करेंगे कि इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर इन द अनसेफ स्टेट, कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि कभी भी वो अनसेफ स्टेट के अंदर ना जाए. ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है. ठीक है, इसमें क्या है, पांच प्रोसेसेस हैं. ठीक है, पी नॉट से पी फोर तक और तीन रिसोर्सिज हैं ए बी सी. ठीक है, ये देखिए एलोकेशन. एलोकेशन मीन्स प्रोसेस को कितने रिसोर्सिज ऑलरेडी एलोकेटेड हैं. ठीक है, और मैक्सिमम नीड, या फिर मैक्सिमम नीड क्या बताता है कि किस प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सिज चाहिए. ठीक है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या बताता है कि मीन्स रिसोर्सिज ऑलरेडी किसी भी प्रोसेस के पास कितने रिसोर्सिज अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबिलिटी निकालते कैसे हैं, टोटल माइनस जितने एलोकेट हो चुके हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास अवेलेबल. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल कैसे निकालना है. हमें पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन दिया होता है ये पेपर के अंदर में, डेडलॉक इसके अंदर होगा या नहीं होगा वो निकालना होता है. डेडलॉक के लिए हमें क्या निकालनी होती है, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नीड निकालनी पड़ेगी. नीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, जितने मैक्सिमम हैं उनमें से एलोकेशन को जो ऑलरेडी एलोकेटेड है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, नीड आ जाएगी. ए के पास टोटल
कितने रिसोर्सेज हैं, कितने इंस्टांसेज हैं, 10 हैं, बी के पास 5 हैं, सी के पास 7 इंस्टांसेज हैं, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने एलोकेट हो चुके हैं, 10 में से कितने दिए, बी में से कितने एलोकेट हो चुके हैं और सी के कितने एलोकेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस दिए हुए हैं अपने पास, पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, 5 प्रोसेसेस हैं। ए को कितने एलोकेट हो चुके हैं टोटल, 7। बी को कितने एलोकेट हो चुके हैं टोटल, 2। सी को 5, ठीक है। अब टोटल अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल निकालना है हमें। अवेलेबल कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस एलोकेटेड। टोटल कितने थे, 10, 5 और 7। एलोकेट कितने हो चुके, ये 7 टू 5, तो अवेलेबल कितने बचे हमारे पास, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल माइनस एलोकेटेड, तो अवेलेबल आ जाएगा, अवेलेबल आ गए हमारे पास 3, 3, 2, ये वाले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ए जो रिसोर्स है वो 7 अलॉट कर चुका है 10 में से, और बी 2 एलोकेट कर चुका है 5 में से, सी 5 एलोकेट कर चुका है 7 में से। अब अवेलेबल बचे हमारे पास 3, 3, 2, थ्री थ्री टू। अब हमें कैलकुलेट करनी है नीड कि पी वन की नीड कितनी है, पी टू की नीड कितनी है, पी थ्री, पी फोर और पी नॉट, सभी की क्या करनी है, नीड निकालनी है, जो फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये रहा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट माइनस करंट एलोकेशन, तो नीड आ जाएगी। हम पांचों प्रोसेसेस की 1 बाय 1 नीड निकाल लेंगे। मैक्सिमम ये देखिए, पी नोट के पास मैक्सिमम कितने हैं, 753, उसके पास करंट एलोकेशन कितनी है, 010, तो नीड कितनी आ गई, ये देखिए, ये निकाली हुई है यहाँ पे, 743। ऐसे ही हम सबकी नीड निकालेंगे, पी नोट की नीड आ गई 743, पी टू की नीड आ गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 122, पी थ्री की नीड आ गई हमारे पास 600, और पी थ्री की 011, और पी फोर की 431, ठीक है। अब हमें चेक करना है, हमारे पास अवेलेबल हैं 332, इनसे हम किसकी नीड को पहले कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, किसकी नीड को पहले कंप्लीट कर सकते हैं, ये देखिए 332, पी नोट से शुरू करेंगे, अवेलेबल हैं 332 और रिक्वायरमेंट है 743 की, तो ये कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि नीड ज़्यादा है, अवेलेबल कम है। फिर चेक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे हम P1 के पास, P1 को कितने चाहिए, 122, अवेलेबल कितने हैं, 332, नीड कितने की है, 122, तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी P1 की, P1 एग्जीक्यूट होते ही, सक्सेसफुली जैसे ही ये कंप्लीट हुई, तो उसके पास ऑलरेडी जितने भी रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं उनको भी वो क्या कर देगी, फ्री कर देगी। फ्री करते ही वो क्या करेंगे, हम न्यू अवेलेबल वापसी निकालेंगे। न्यू अवेलेबल कैसे निकालते हैं, ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, टोटल माइनस एलोकेटेड हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। अवेलेबल हमारे पास पहले कितने हैं ऑलरेडी, 332, P1 ने फ्री कितने किए, 200, ठीक है, तो कितने आ गए, 532, 2, 3 और 5। अब अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 532। अब 532 से हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट हम किसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। 532 है तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, 600 की है, तो इससे हम किसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चेक करेंगे हम किसकी, P3 के पास जाएंगे, 532 अवेलेबल हैं, इसे रिक्वायरमेंट कितनी है, 011 की, तो इसकी नीड क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। इसकी नीड कंप्लीट होते ही जो इसके पास ऑलरेडी एलोकेटेड हैं उनको भी वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा। अब P3 के पास एलोकेटेड कितने हैं ऑलरेडी, 211, अवेलेबल कितने थे हमारे पास, 532 में 211 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 743, ये आ गया।
अब चेक करेंगे कि 743 से नेक्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, इसकी हो रही है। अब ये अपने रिसोर्सेज जो इसके पास एलोकेटेड है वो भी फ्री कर देगा, तो टोटल कितने हो गए, 743 पहले थे, 002 उसने अभी फ्री कर दिए, तो कितने हो गए, 745। अब चेक करेंगे नेक्स्ट 745 से हम किसकी नीड कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गई। अब जाएंगे पी नोट के पास, ठीक है, अवेलेबल कितने हैं, 743, नीड कितने की है, सॉरी अवेलेबल कितने हैं, 745, नीड कितने की है, 743 की, तो इसकी नीड भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। पी नोट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते ही ये क्या कर देगा, इसके पास जितने रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेटेड थे उनको भी फ्री कर देगा। ऑलरेडी एलोकेटेड कितने थे इसके पास, ये थे, इनको फ्री कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसकी रिक्वायरमेंट, इसके कंप्लीट होते ही जिसकी रिक्वायरमेंट बची हुई है उसको फुलफिल कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 600 की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं 745 से, ठीक है। अब जैसे ही ये इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो अगर 745 में हम 302 को ऐड करेंगे तो टोटल इसके पास कितने हो गए, वही आगे ये वाले आगे, ठीक है। अब क्या होगा, डेडलॉक अक्कर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या निकाल ली, एक सेफ सीक्वेंस निकाल ली। सेफ सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी निकली, कौन सी होगी, उनका ऑर्डर क्या होगा सेफ सीक्वेंस का, वो चेक करना है, ठीक है। तो पहले किसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई थी, P1 की हुई थी, उसके बाद किसकी हुई थी, P3 की हुई थी, उसके बाद किसकी हुई थी, P4 की हुई थी, उसके बाद P1 की, और उसके बाद पी नोट की। तो ये हो जाएगी हमारे पास सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस के एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो सेफ सीक्वेंस आई होप सबको निकालना आ गया होगा कि कैसे हमें नीड कैलकुलेट करनी है और कैसे अवेलेबल देखना है, कब वो एलोकेटेड को फ्री करता है। जैसे ही किसी की नीड कंप्लीट होगी, नीड रिक्वायरमेंट कंप्लीट होते ही जिसके उसके पास ऑलरेडी प्रोसेस के पास जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट हैं वो उनको फ्री कर देगा, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, न्यू अवेलेबल निकाल लेंगे। न्यू अवेलेबल निकालने के बाद नेक्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें निकालना है सेफ सीक्वेंस और क्या यूज़ होता है डेडलॉक अवॉइडेंस में बैंकर्स एल्गोरिथम का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।